अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वहदत विजन में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे दरमियान शहर औरंगाबाद की एक और मारूफ शख्सियत, हम एक हसास मौजू जिन्हें हम पिछले 27-28 बरसों से जानते हैं, शहादत बाबरी मस्जिद, उस उनवान के तहत सवाल जवाब की शक्ल में जनाब मोहम्मद मेराज सिद्दीकी साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। मेराज सिद्दीकी साहब का तारुफ़ मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के आप जो है तो जनरल सेक्रेटरी है और जमात इस्लामी शहर औरंगाबाद के कारकुन हैं। तो मैं मौसूफ से चंद सवालात करूँगा, उनमें पहला सवाल मौसूफ से ये है कि फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों में बाबरी मस्जिद के हवाले से, तो बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ता क़यामत तक। इसके मस्जिद होने में किसी किस्म का कोई मुसलमानों में किसी किस्म का कोई मतलब ये कि तरद्दुद नहीं इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। तो जो 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उस फैसले के बाद क्या मुसलमानों का अदलिया पर से एतमाद मुतज़ल्ज़ल हुआ? अदलिया ने असल में अपना विकार खो चुका है। बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं देकर अदलिया ने अपना विकार खो चुका है। भारतीय अदालती निज़ाम ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय अदालती निज़ाम के दो पैमाने, और वो दो पैमाने जिस तरीके से आपको अर्नब के मामले में दिखेंगे और दूसरे महरूसिन के मामले में दिखेंगे, दूसरे और भी लोग भारत के अदालतों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और जेल में कैद है, जिसमें कश्मीर के सहाफ़ी हैं, भीमा कोरेगांव के जो में जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग हैं। इस तरीके से भारतीय अदालत के अदालती निज़ाम के दो पैमाने जो हमारे सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं। तो इससे हमको ख़ासतौर से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, बाबरी मस्जिद को अदलिया ने कभी भी इंसाफ नहीं दिया, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इसमें मतलब अदलिया पर एतमाद मुतज़ल्ज़ल हुआ? बिल्कुल, अदलिया पर एतमाद मुतज़ल्ज़ल हुआ है। तो इसमें जिन लोगों ने फैसला किए उनमें जो नाम है, एक बहुत मशहूर नाम रंजन गोगोई का आता है, तो कई लोगों का मानना ये भी है, ये सोच रहे वो लोग मतलब कि रंजन गोगोई को जो राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है कहीं वो बाबरी मस्जिद फैसले का तोहफा तो नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, वो बाबरी मस्जिद के का जो का फैसला रंजन गोगोई ने दिया है उसी सिलसिले में उनको राज्यसभा की सीट अलाट की गई है। अरे बाजाबता मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नज़र में, वादी नज़र में समझता हूँ मैं कि ये डील है कि तुम बाबरी मस्जिद का फैसला इस तरीके से दो, हम तुम्हारे को इस तरीके से यहाँ बिठाएंगे। और अभी जो आपने जिक्र किए कि कई हवाले दिए जो दोहरा मियार था अदालतों का, तो ख़ास तौर से जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसके बाद में, क्या बाबरी मस्जिद फैसले के बाद में अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ भारत का और हिंदुत्व मजबूत हुआ? भारत का अदालती निज़ाम भी कमज़ोर हुआ, और अदालती निज़ाम क्यों कमज़ोर हुआ इस पर हमको समझने की ज़रूरत है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? अदालती निज़ाम में जो लोग आज बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है तो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, और वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद हो गई, कश्मीर का इशू होगा, कश्मीर के जो लोग कैद हैं उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, दीगर जो है तो अभी हथरस के मामले में जो सहाफ़ी कैद किए गए उनसे जो नाइंसाफी हो रही है, जो अभी CAA NRC के साथ ताल्लुक से जो बच्चे जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे थे नौजवान, उनके ऊपर जो मामला था, UAPA जैसे दफात लगाए गए, तो ये क्या क्या है क्या ही? भीमा कोरेगांव में जो पूरे दलित लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बेचारे कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा, उनके ऊपर UAPA जैसे दफात लगा देती है और वो लोग फेस कर रहे हैं। जी, एक तरफ तो ये वो है जो आप जिक्र कर रहे थे नाइंसाफियों का मामला, दूसरी तरफ ये है कि जो बाबरी मस्जिद शहादत केस के 32 मुजरमीन हैं इनको एक कोर्ट ने जो है तो बाइज़्ज़त बरी कर दी, इसके बारे में आपकी क्या राय? हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस होने के बावजूद अगर कोर्ट हमको इस तरीके से इग्नोर करता है या नज़रअंदाज करता है तो ये समझ जाना चाहिए कि हमको कोर्ट से न्याय मिलने वाला नहीं है, और हमको मुसलसिल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का जो केस मैं आपको इससे पहले भी जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद के केस में हमको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं मिला, बाबरी के साथ ये लोगों ने इंसाफ किया ही नहीं। इसमें मेरा आखिरी सवाल ये है कि
मौजूदा सूरत हाल है जो बाबरी मस्जिद की, इस पर मुसलमानों का क्या शरई मौकूफ होना चाहिए? मैंने इससे पहले भी आपको अर्थ किया कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। इसकी मिसालें हमारे पास तुर्की में जो आया सूफिया की मस्जिद है कि जब जब भी जिन जालिम व जाबिर हुक्मरानों ने अपने जुल्म व जबर के तहत इस तरीके के फैसले करवा कर हमारी मस्जिदों को अपने इस्तेमाल में लाया और मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते रहे, जब हम लोग ताकत में आएंगे इंशाअल्लाह, जब अल्लाह ताला हमको ताकत व तमकनत अता करेगा, उसी तरीके से हम जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हमारे पास ढाई गई, हम उसी तरीके से उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद के वहाँ पर नमाजें होंगे इंशाअल्लाह, वो मस्जिद सजदों से ज़रूर आबाद हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये थे मेराज सिद्दीकी साहब जो शहादत बाबरी मस्जिद के हवाले से हम सवाल जवाब की शक्ल में इनसे रहनुमाई हासिल कर रहे थे। मैं अब्दुल करीम वहदत इस्लामी का अदना सा खादिम आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आप एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल वहदत विजन को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।